गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आप तो सोच रहे होंगे इतने रात में मैं कहाँ निकल गई। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 3 और मैं निकल गई हूँ अपने घर से सुंदरी जल के लिए। आज श्रावण का सोमवार है तो ये कांवरिया लोग, जैसे आप देख सकते हो, ये लोग सुंदरी जल से जल लेके फिर पशुपतिनाथ में जा रहे हैं जल चढ़ाने। तो हमारे यहाँ गंगा तो नहीं है, इसीलिए हम सुंदरी जल से जल लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारे झरने हैं जहाँ से पूरा प्योर फॉर्म ऑफ वाटर आता है। तो वहाँ से हम जल ला के पशुपतिनाथ में चढ़ाएंगे। आप देख सकते हो ये सारे लोग अभी 3 बजे रात में सुंदरी जल से लौट रहे हैं, मतलब ये लोग रात को 12 बजे वहाँ से पैदल निकले होंगे। सो अराउंड 2-3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं वहाँ पहुँचने में। और ये देखिए, ये है सुंदरी जल, ये है सो नीचे का एरिया है जहाँ लोग नहा धोवा के फिर यहाँ से जल लेके और पशुपतिनाथ जाएंगे। और ऊपर अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो इतना सुंदर झरने वगैरह हैं वहाँ पे, सो आप इंजॉय भी कर सकते हो, लेकिन अभी तो नहीं कर सकते दोपहर में। और अभी तो देख सकते हो, अगर आप अकेले आओगे तो जो आवाज़ से यहाँ डर लगता है, ये जो पानी का आवाज़ रहता है बहुत डर लगता है। ये देखिए लोग कैसे लीन हैं शिव जी के याद में, उनके भक्ति में लोग नाचते गाते उनको याद करते हुए अपने मगन में उनके दरबार पे जा रहे हैं। ऐसे तो पता भी नहीं चलता है कि रास्ता कब कट गया। और ये देखिए हम पहुंच गए पशुपतिनाथ। ये मैं अराउंड 4:30 में पहुंची हूँ यहाँ पे। और ये देख सकते हो यहाँ पहुँचते मुझे तो शॉक लग गया। आप इमेजिन करो, मुझे हार्ट अटैक नहीं आया क्योंकि जो लाइन है, पिछले साल मुझे बहुत जल्दी दर्शन हो गया है, अभी तो ये लाइन मुझे लगता है 4 किलोमीटर उधर से है जहाँ पे लोग लगे हुए हैं। और 4 किलोमीटर आपको लाइन लग के आना, बहुत टेंशन हो गया था मुझे। लेकिन खैर, भगवान के दरबार पे आए हैं तो वो दर्शन बिना दिए तो नहीं भेजते अपने भक्तों को, तो दर्शन मेरा अच्छे से हो गया। और ये देखिए आप कितने लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं यहाँ पे। और दिन भर में तो लाखों आके जाते हैं, रात भर ये पुलिस वाले तो यहाँ पे सोते नहीं हैं, बिकॉज ये लोग अपना ड्यूटी करते रहते हैं, सबका लाइन मैनेज करते हैं। और ये देखिए कैसे ये लोग लाइन मैनेज कर रहे हैं, कि जो बदमाश बच्चे रहते हैं ना, जो बड़े होने के बाद भी बचपना नहीं जाता, वो बीच में घुस जाते हैं और दूसरे लोग को दिक्कत देते हैं उनको ठीक करने के लिए। और ये सुबह 5:30 का टाइम है जब मेरा दर्शन हो चुका था, तभी भी देखिए कितना भीड़ है। ये दिन भर ये भीड़ आज ऐसे ही रहेगा, इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपको और वीडियो देखना है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।